आज के इस वीडियो में मैं राहुल आर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एक विश्वविद्यालय की तरफ से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि किस किस विषय में यहाँ पर आप पीएचडी कर सकते हैं, अप्लाई कब तक कर सकते हैं, एडमिशन की प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और किन किन कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम से यहाँ पर छूट प्राप्त होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सभी बातों को विस्तार से। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एमडी एजुहट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर हमारी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की तरफ से निकाला गया है और इसमें एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी एडमिशन 2022 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिससे कि पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लिए जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि छत्रपति सीएसजे एमयू कानपुर पीएचडी एडमिशन 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉरम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2022 के सत्र के लिए ये एप्लीकेशन आमंत्रित किए गए हैं, तो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पीएचडी की सबसे पहली बात जो कही गई है वो पीएचडी ड्यूरेशन के विषय में है। पीएचडी प्रोग्राम सेल वी फॉर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 इयर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर, अर्थात कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम इसके लिए 6 वर्षों तक कैंडिडेट को पीएचडी अपनी करनी है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि किस किस विषय में आपके लिए यहाँ पर पीएचडी की उपलब्धता है, किस किस विषय में आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं, तो वो जानेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी एस जे एम यू इन्वाइट्स अप्लीकेशंस फॉर पीएचडी इन डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट। तो इन विषयों में यहाँ पर पीएचडी है। तो ये डिसिप्लिन्स है, ये विभाग फैकल्टीज़ बताई हुई है कि इन फैकल्टीज़ में आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि किन किन विभागों में यहाँ पर सीट उपलब्ध हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बोटनी, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एजुकेशन ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, लाइफ साइंस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, फार्मेसी, फिजिकल एजुकेशन योग, फिजिक्स, फिजियोथेरेपी, फिलोसफी, प्लांट पैथोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, सोल साइंस, उर्दू और जूलॉजी। इन विषयों में आप यहाँ पर पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन विषयों का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है उन विषयों में आपके लिए यहाँ पर पीएचडी की सीटें उपलब्ध हो रही है। अब आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सब्जेक्ट टू कंडीशंस यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशन 2016, द फॉलोइंग पर्सन्स आर एलिजिबल टू सीक एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। यूजीसी का जो रेगुलेशन है 2016 का, उसके अकॉर्डिंग जो निम्न विद्यार्थी जो है वो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर डिग्री ले रखी है कम से कम 55% मार्क्स के साथ, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये मिनिमम यहाँ पर क्वालिफिकेशन होती है पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए।
और जो कैंडिडेट SC ST OBC NCL कैटेगरी से आते हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनको 5% की यहाँ पर छूट प्रदान भी की जाती है। कि जो कैंडिडेट है वो इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी को पहले ही चेक कर लें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। जो इंस्टीट्यूट है वो इसकी आपकी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई नहीं करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई उस समय किया जाएगा जब काउंसलिंग के समय आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के विषय में यहाँ पर देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि दो तरह से यहाँ पर काम होंगे। द यूनिवर्सिटी सेल एडमिट कैंडिडेट बाई ए टू स्टेज प्रोसेस थ्रू, दो दो चरणों की यहाँ पर प्रोसेस होने वाली है, उसके माध्यम से यहाँ पर PhD में एडमिशन लिया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा कि क्वालिफाइंग एज ए एंट्रेंस टेस्ट विच विल कॉन्टेन 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। और तो यहाँ पर 400 अंकों का एक पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, चार चार नंबर का एक प्रश्न यहाँ पर आएगा जिसमें 50% जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी और 50% आपके जो है वो मल्टीपल आपके जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण आप यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अर्थात जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और हर एक गलत प्रश्न का एक अंक काट लिया जाएगा और एक सही प्रश्न के 4 अंक आपको मिलेंगे। और अगर आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसका कोई अंक नहीं मिलेगा और कोई पर उसका अंक काटा भी नहीं जाएगा। ये बात भी यहाँ पर स्पष्ट की गई है। और उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे जिन तो उनके लिए कह रहे हैं कि द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल अपियर फॉर इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन बिफोर ए स्क्रीनिंग कमेटी। तो आपको जब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए वहाँ पर डिपार्टमेंट में आपको जाना है। द कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस विल बी कैटेगराइज्ड एज सिलेक्शन और नॉट सिलेक्टेड इन प्री PhD कोर्स वर्क। तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी ऑल ओवर परफॉर्मेंस इंटरव्यू में, प्रेजेंटेशन में, एंट्रेंस एग्जाम में, उसके आधार पे आपको बांटा का सिलेक्शन किया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं PhD कोर्स वर्क में एडमिशन लेने के लिए। द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड विल बी अनाउंस्ड थ्रू द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी। और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा उनकी जो फाइनल लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अब यहाँ पर एक दूसरी कैटेगरी का भी जिक्र आ रहा है कि किन किन कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्राप्त होने वाली है, एग्जेम्पशन फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। तो सबसे पहला तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विच सेल बी सब्जेक्ट टू जनरल रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे उनको एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्राप्त होगी इंक्लूडिंग NRIs। कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड ग्रांट फॉर रिसर्च सच एज फेलोशिप्स। तो जिन कैंडिडेट्स ने फेलोशिप की परीक्षा पास कर रखी है जैसे कि UGC JRF है, CSIR JRF है, गेट MHRD स्कॉलरशिप है, टीचर फेलोशिप है, DBT, ICMR, ICAR, DST इंस्पायर फेलोशिप, DST वोज और इक्वल नेशनल लेवल फेलोशिप्स एज आइडेंटिफाइड बाई RDC। तो जो आपने फेलोशिप के क्वालिफाई कर रखी है अगर कोई और उसका आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्विंग आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स ऑफिसर्स ऑफ एटलीस्ट कॉलोनल और इक्वलन रैंक विद नॉट लेस देन 15 ईयर ऑफ सर्विस अप्लाइंग फॉर PhD डिग्री इन कॉन्सर्न एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो आर्मी एयरफोर्स और नेवी में जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं और कम से कम उनकी 15 वर्ष की जॉब हो चुकी है और वो अच्छी रैंक पे हैं, कॉलोनल के लेवल के रैंक पे है, तो
तो वो अपने से संबंधित अर्थात डिफेंस से संबंधित कोई विषय है उसमें पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको वहाँ पर छूट प्राप्त हो जाएगी एंट्रेंस एग्जाम से। और अब किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्राप्त नहीं है वो भी यहाँ पर जिक्र आ रहा है कि परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर हैविंग अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर पोस्ट इन द टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी और ए गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज एफिलिएटेड एसोसिएटेड टू द यूनिवर्सिटी हु हैव कम्प्लीट देयर प्रोबेशन सक्सेसफुली वुड बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन द एंट्रेंस एग्जाम। वेटेज ऑफ 10% वुड बी गिवन टू गिवन फॉर दोज कैंडिडेट्स। तो जो परमानेंट टीचर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की रैंक पे है और उनको एंट्रेंस एग्जाम में करें कि अपियर तो होना पड़ेगा, लेकिन उनको 10% की वहाँ पर छूट प्राप्त हो जाएगी, 10% का उनको वेटेज मिल जाएगा। फुल टाइम टीचर ऑफ द सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज रन बाय यूनिवर्सिटी, तो ये वही बात कर रहे हैं कि जो टीचर है परमानेंट हैं उनको भी 10% की छूट मिल जाएगी, लेकिन उनको एंट्रेंस एग्जाम में छूट प्राप्त नहीं होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और कह रहे हैं कि कई विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि नेट वालों को देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि गेट, नेट, स्लेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनको एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा, लेकिन उनको भी 10% की वेटेज अलग से मिलेगी। तो केवल जेआरएफ को छूट प्राप्त है, केवल नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से छूट नहीं मिल रही है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट कही हुई है। हाँ, नेट वाले बच्चों को 10% की वेटेज मिल जाएगी अलग से। अब हम बात करें अप्लीकेशन फ़ीस की, तो अप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 2500 रुपये है ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए और 1500 रुपये है एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। और पीएचडी कोर्स की फ़ीस की हम यहाँ पर बात करें तो पीएचडी कोर्स फ़ीस जो है वो ओबीसी और यूआर कैंडिडेट्स के लिए 35,000 पर ईयर है और पीएचडी फ़ीस है एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 25,000 रुपये पर ईयर यहाँ पर फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन भरना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन ओपनिंग डेट जो है वो है 10 मार्च, लास्ट डेट है 25 अप्रैल, एडमिट कार्ड 27 अप्रैल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, एग्ज़ाम जो हो 2 मई को होना है, आंसर की आपकी 5 मई को आ जाएगी। आपके इंटरव्यू जो हैं वो 17 से 31 मई के बीच में होने हैं और फाइनल रिज़ल्ट जो है वो 11 जून को यहाँ पर घोषित किया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी। तो एडमिशन गाइडलाइंस भी यहाँ पर दी हुई है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये थी आज आपके लिए अपडेट जो कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की तरफ से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए था। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एमडी एजुहट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।